आज हम क्षितिज बुक से कक्षा 9वीं में पाठ 11 सवैये पढ़ेंगे, जो रसखान जी के द्वारा लिखे हुए हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ और इनका नाम सैयद इब्राहिम था। और बच्चों, दिल्ली के आसपास के ये रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 1628 में हुई और इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जो उपलब्ध कृतियां हैं, और रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये का पाठ का सारांश, जो है प्रस्तुत पाठ में कवि ने रसखान के सवैये में संकलित किया है कि रसखान के द्वारा रचित पहले दूसरे सवैयों में कृष्ण के बारे में बताया है, और उनकी मधुर मुरली सुनने के, उनकी आकर्षक मुस्कुराहट के प्रभाव को वर्णित किया है, तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए गोपियों का चाहकर श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती, इसके बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे सवैयों का अर्थ। पहले हम सवैयों को पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव में, गांव के वर जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद धेनु मझारन। फिर पाहन हो तो वही गिरे, जो कियो हरि छत्र पुरधर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदंब की डारन। भाव अर्थ है इसका, उक्त पंक्तियों का कवि रसखान के उद्धृत है कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहा है कि उनका पुनर्जन्म होता है और वे मनुष्य की योनि में जन्म लेकर ब्रज के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। यदि उनका पशु के रूप में जन्म होता तो वे ब्रज के नंद की गांव के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और पर्वत का पत्थर बनकर रहना चाहते हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, अपनी तर्जनी पर उनके बारे में बताया है कि तर्जनी पर उठाकर उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। यदि उनका पक्षी के रूप में जन्म होता तो वे यमुना किनारे कदम्ब की डालों पर डेरा डालना चाहते थे। और कवि के उक्त चाहतों से ज्ञात होता है कि किसी हाल में भी श्री कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त करना चाहते हैं कवि, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े। अब कवि का बताया कि या लकुटी अरु काम अरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठम सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कभी इन आखिन तो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। भावार्थ है कि उक्त पंक्तियों में कवि रसखान के सवैये से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने बताया कि उन्हें गोकुल के गांव वालों की लाठी और कंबल हेतु तीनों लोक का राज लगाना या त्यागना पड़ा, क्योंकि वे चेष्टा करने के लिए तैयार हैं। कवि कहते हैं कि वे नंद की गायों को चराने का सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं और वे वहां रहना चाहते हैं। कहाँ पर? ब्रज ब्रजवासियों के साथ, बाघों तथा सरावोरों को पूरा जीवन निहारने की चाह रखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि पवित्र ब्रज भूमि की कटीली झाड़ियों के लिए भी मैं वो कवि महल त्यागने को तैयार है। अब इसका भावार्थ है, फिर इसके बाद बताया कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी, भावतुर वोही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा ना धरूंगी। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रसखान के सवैये उद्धृत हैं और इसमें बताया है कि कवि द्वारा रचित पंक्तियों में कृष्ण की अतुलनीय सौंदर्य के बारे में चित्रण हुआ है, जिसमें गोपियां कृष्ण का रूप धारण कर लेने से चाय भरी हुई है और गोपियां कृष्ण के लिए सिर के ऊपर मोर पंख रखने तैयार हैं, गुंजों की माला पहनने तैयार हैं, गोपियां पीला वस्त्र धारण करने में तैयार हैं और वे वन की गायों और ग्वालों के साथ साथ भ्रमण करने के लिए भी तैयार है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए हर स्वांग करने रचने तैयार। मुरलीधर अर्थात
कृष्ण के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से लगाने को वो इच्छुक नहीं है, लेकिन वो उनके साथ रहने और भ्रमण करने तैयार है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पंक्तियों को देखते हैं आगे की, कि आगे क्या है। काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानल सो रसखानी अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो से गिरे ब्रजलोगनी काल ही को कितनो समझे हो, मायरी वामुख की मुस्कानी समहारी न जय है न जय है न जय है। अब इसका भावार्थ इन पंक्तियों का बताया रसखान जी ने कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट के प्रभाव को वर्णित कर रहे हैं। कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कहती हैं, जब कृष्ण की मुरली की मधुर और मनोहर धुन गूंजेगी तो अपने अपने कानों में उंगली डाल के रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई ना पड़े, क्योंकि कृष्ण की मुरली की धुन में मगन होकर गायें भी अटारी पर चढ़ने लगती हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं कि कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। उस मुस्कान से ज्ञात होता है कि वे सारी गोपियां ब्रज की गोपियों उस मुरली की धुन में डूबी हुई हैं। आगे पढ़ेंगे हम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों के बारे में हमने जो पढ़ा अभी, अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। ब्रजभूमि पहले प्रश्न पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में भी नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि के वासी बनना चाहते हैं और ग्वाला बनाए गाय बनाए चाहे पक्षी बने चाहे पत्थर बने, हर हाल में वे ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं और अपना जीवन सर्वस्व निछावर करने के लिए भी तैयार है। अब है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण? कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का कारण है कि श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुओं ने शांति और आनंद की अनुभूति कराती हैं। अब प्रश्न है तीसरा, एक लखटी और कामरिया पर कवि सब निछावर करने की क्यों तैयार है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है वो कृष्ण जी, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज से वे महत्वपूर्ण है उनके लिए। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो सभी कुछ निछावर करने तैयार हैं। प्रश्न चार है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में व्यक्त करें। सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया जैसा कृष्ण दिखते हैं। इसके लिए उसने सिर में मोर पंख को मुकुट बनाया, गले में गुंज की माला और शरीर में पीला वस्त्र धारण किया, हाथ में लाठी लेने का भी आग्रह किया। प्रश्न पांच, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो उत्तर है, कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनका कृष्ण जी से बहुत ही लगाव जुड़ा हुआ है। प्रश्न छह, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश कर पाती हैं? उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश कर पाती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है, मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन है। इसके लिए वे मुस्कान के कारण अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। अब प्रश्न हम साथ पढ़ेंगे, कौटिक है इसका काका है, कौटिक है कल घोर के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, हाँ मायरी वा मुक्के मुस्कानी समझ दी न जय है न जय है न जय है। तो कौटिक है कल घोर का उत्तर है, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी निछावर करने तैयार है और महलों के सुख सुविधा त्याग कर वे ब्रजभूमि में रहना पसंद करते हैं।
अभय मायरी व मुख मुख स्कानी समरी न जय है न जय हो का एक गोपी कृष्ण की मधुर मुस्कान मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसमें कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर है कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का शब्द इसमें बार बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति है। अब है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। या मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी अधरा ना धरोंगी, उत्तर इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है, क्योंकि मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है, अधरान धरी अधरा ना में भी सभंग यमक है, अधरान अधरों पर अधराना ऊंटों पर नहीं, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखता है। फिर प्रश्न 10 रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ, उसी प्रकार ही मातृभूमि के प्रति अपने मन भावों को अभिव्यक्त करें। अब बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है, यह आपका गृह कार्य है जिसे आपको बुक पर लिखना है। और प्रश्न 11 में हमको बताया कि रस खान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में यथार्थ वाचन किया गया, जैसे मैं अभी मैंने किया उसी तरह, तो आप इसका वाचन भी करें सवैयों का और उसके उत्तरों को अर्थों को पढ़ें। प्रश्न 12 सूरदास तथा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधों को भी पढ़ें। आपको ये प्रश्न को भी आपको खुद ही पढ़ना, क्योंकि रचना संबंधी सारे अर्थ भावार्थ सब आपको पढ़ाया, उसी तरह आपको ये